नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए छोटी बड़ी हर प्रकार की सरकारी नौकरी की खबर सबसे पहले सबसे तेज। दोस्तों अभी अभी एक बड़ी नोटिफिकेशन आ रही है पावर ग्रिड की तरफ से, सभी इंजीनियर्स कैंडिडेट्स के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन डाली गई है। दोस्तों गेट की इसमें जरूरत नहीं है, इंजीनियर्स फील्ड इंजीनियर्स की भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एग्जाम भी कंडक्ट नहीं किया जाने वाला है, डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाएगी। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो कि पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। ये देखिए दोस्तों, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। 21 अक्टूबर 2019 की ये नोटिफिकेशन है, यानी कि बिल्कुल अभी परसों या एक दिन पहले की ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल सिविल ब्रांच के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं इस पूरी नोटिफिकेशन को आपको क्लियर से करके समराइज वे में आपको बता देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया गया है, वहां पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि PGCIL के नाम से ज्यादातर लोग इसे जानते हैं, रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाली गई है। फील्ड इंजीनियर्स के पद के लिए यह नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसके लिए इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो दोस्तों, पूरा काफ़ी बड़ा इनका प्रोजेक्ट का रीजन होता है पावर ग्रिड का, लेकिन फिलहाल जो ये नोटिफिकेशन जारी की गई है ये नॉर्दर्न रीजन के लिए की गई है, इसलिए मान सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में किसी भी एरिया में ये जॉब लोकेशन आ सकती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 28 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि BE BTech कैंडिडेट्स जिनके कम से कम 55% मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में एक साल के अनुभव की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट का या फिर इंटर्नशिप का जो कोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद किए गए एक्सपीरियंस को ही यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। एज लिमिट आयु सीमा की बात करें तो 20 से 29 साल, यानी कि 20 से लेकर 29 ईयर्स तक यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और ये एज कैलकुलेट की जाएगी 31 अक्टूबर 2019, जो कि इसके लिए क्रूशियल डेट है। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ दोस्तों कि ये जो एज है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए दी गई एज लिमिट है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल SC ST या फिर OBC, तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार एज में पूरी छूट दी जाएगी। सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट की जाएगी और इसमें गेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सैलरी की बात करें तो ₹30,000 पर मंथ, साथ में इंडस्ट्रियल DA, HRA, पर्क्स अलग से होंगे, 35% बेसिक पे का अमाउंट जो होगा वो अलग से मिलेगा आपको। तो जो सैलरी पर मंथ आपको एज ए ग्रॉस सैलरी मिलने वाली है वो काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है दोस्तों। सैलरी की तरफ से बिल्कुल भी सोचने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सैलरी आपको इस जॉब के लिए बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं जॉब नेचर की, जो वंस अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये एक फिलहाल इनिशियली कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और यहाँ पर ये इनिशियली 2 साल के यानी कि 24 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई वैकेंसी है, जिसको कि आगे एक्सटेंड भी करा जा सकता है। वो प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट आगे कितना लंबा जाता है। 21 अक्टूबर 2019 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 31 अक्टूबर 2019 तक इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के केवल 10 दिनों के लिए ये पोर्टल खोला गया है आवेदन करने के लिए। एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए ₹400 का आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए इन भर्तियों में कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों आप किसको इसके लिए आवेदन करना है, आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और देख लेते हैं पूरा प्रोसीजर क्या है इसमें सिलेक्शन का। देखिए दोस्तों, ये फ्रंट पेज है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। 21 अक्टूबर 2019 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। और यहाँ पर ब्रेकअप्स की बात करें तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई हैं 22, जिसमें से 12 अनरिजर्व्ड वैकेंसीज हैं। इसी प्रकार से फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से 4 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड हैं, बाकी सभी वैकेंसीज रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और बिल्कुल इसी रेक्टेंगल के ऊपर जहाँ पर ये वैकेंसी डिटेल्स दी गई हैं, इसके ऊपर वाली लाइन में आप देख सकते हैं
कि ये टेम्प्रेरी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, 24 महीने की इनिशियली ये जॉब रखी गई है, जिसको कि आगे फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट तक। जितने भी टाइम तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आप इस प्रोजेक्ट में आप ये मान सकते हैं कि ये जॉब आपकी चलती रहेगी। साथ ही इलेक्ट्रिकल और सिविल यही दो ब्रांचेज हैं जिसके लिए भर्तियाँ की जा रही हैं। कुल मिलाकर के 29 ईयर्स यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, 31 अक्टूबर 2019 तक ये एज कैलकुलेट की जा रही है, और मिनिमम 55% जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपने बीएससी इंजीनियरिंग से की हुई है तो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जोड़ देना चाहूँगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 1 साल के फील्ड एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पर्क्स होते हैं पावर ग्रिड की तरफ से, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, और इसमें रिलैक्सेशन जो एज की है वो भी इसमें मेंशन कर दी गई है। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं रखी गई है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, और साथ में जितना जो टेन्योर था उनका पूरी सर्विस का, वो सारा टेन्योर भी उस एज लिमिट में से कट कर दिया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। इसके अलावा फिर फिजिकली जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पर अलग से आर्टिकल मेंशन किया गया है। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर स्क्रीनिंग शुरुआत में होगी। ऐसा आप मान लें कि जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले स्क्रीनिंग का यहाँ पर प्रावधान है, और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, देखिए यहाँ पर ये सिलेक्शन प्रोसेस मेंशन किया गया है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम रहती हैं तो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी। और स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर हो सकता है कि अगर स्क्रीनिंग अगर होती है तो उसके लिए 1 घंटे ड्यूरेशन का एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि 75 मार्क्स का होगा, और उसमें यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल दी गई है कि उसमें एप्टीट्यूड और फील्ड से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, और उसके बेसिस पर स्क्रीनिंग करने के बाद फिर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए जो मेरिट है वो 40% है, और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 30% यहाँ पर रखी गई है। और जो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसका कोई भी, यहाँ पर अगर स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो उसका कोई भी मार्क्स का इन्वॉल्वमेंट फाइनल रिक्रूटमेंट के अंदर नहीं होगा। जो फाइनल रिक्रूटमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस के, उसके मार्क्स के आधार पर ही की जाएगी। 400 रुपये का आवेदन शुल्क जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों इसमें रहने वाला है, और यहाँ पर पूरा सिलेक्शन का जो इसमें प्रोसीजर है वो क्लियर कर दिया गया है। साथ ही इसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और फोटो का साइज़ क्या रहेगा, सिग्नेचर का साइज़ क्या रहेगा, वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है दोस्तों, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इसके लिए आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और भी अच्छा काम करते रहने के लिए। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम कर पाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल इसी समय दोबारा हाजिर होंगे एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। दोस्तों आपकी डेली जॉब सर्चिंग को आसान बनाने के लिए, स्पेशली 10th 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, और आपके कीमती समय को बचाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही हमारी टॉप 5 की प्लेलिस्ट को डेली कम से कम एक बार ज़रूर विजिट करें। आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारी किसी भी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हर एक प्लेलिस्ट में उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की टॉप 5 वैकेंसीज की जानकारी आपको डेली मिलती है।